सो व्हाट्सअप गाइज, अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को स्लो मोशन कैसे एडिट किया जाता है एंड कैसे स्काई को चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, कैपकट अप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा और आप लोग को एक VPN, कोई सा भी VPN ओपन कर लेना है। और यहाँ पे कैपकट अप्लीकेशन को ओपन करने बाद सबसे पहले आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, जिस वीडियो को भी एडिट करना होगा उस वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे ऐड लिखा है तो ऐड कर लेना है। और ऐड कर लेने बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग का देख लीजिए जहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा वहाँ पे इसको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे रख लेते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इसको टैप कर देना है, ठीक है। तो इस पर टैप कर देने बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे स्पिल्ड का ऑप्शन होगा तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ इसके बाद दोस्तों फिर से इस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना होगा और यहाँ पर नीचे डिलीट लिखा हुआ तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद क्या करना होगा, लास्ट में इधर आ जाना है जहाँ से आप लोग का वीडियो ख़त्म होगा तो वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। और इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे नीचे स्पिल्ड का ऑप्शन होगा तो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर नीचे डिलीट का ऑप्शन होगा तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस वाले हिस्से को डिलीट कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ से हम लोग इस पर टैप करके और नीचे यहाँ पे डिलीट कर देना होगा। तो डिलीट कर देने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, फिर से हम लोग को यहाँ पे आ जाना है और इस वाले वीडियो पर टैप कर देना है। और टैप करने बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है तो आप लोग को यहाँ पर वॉल्यूम पर इसका वॉल्यूम 0 कर देना है, ठीक है। और यहाँ से इसको सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, आप लोग को स्टार्ट में आ जाना होगा और फिर से यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे वीडियो पर टैप कर देना है। और टैप कर देने बाद आप लोग को यहाँ पर नीचे स्पीड का ऑप्शन होगा तो स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल है और कर्व है तो कर्व वाले ऑप्शन पर यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम का ऑप्शन होगा तो कस्टम बहुत सारा ऑप्शन है तो आप लोग को यहाँ पे कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देना, फिर से एक बार और एडिट पे क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पे और इस पर क्लिक कर देना। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा सर्किल है तो इस सर्किल को पूरा नीचे कर देना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से इस वाले सर्किल को भी पूरा नीचे कर देना है। और नीचे करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मेक इट स्मूथर लिखा होगा नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग को यहाँ पे बेटर क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। तो बेटर क्वालिटी पे क्लिक कर देना है और इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ टाइम का प्रोसेसिंग लेगा और इसके बाद क्या करना होगा, फिर से इसको यहाँ से सेव कर लेना है। और सेव कर लेने बाद दोस्तों फिर से क्या करना, बैक आ जाना होगा और मैं आप लोग को यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करके दिखला देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग का काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे स्लोमो ऐड हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ वाला स्लो मोशन ऐड होगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो को हम लोग को ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ से आप लोग 4K भी कर सकते हैं अगर आप लोग का 4K ऑप्शन आएगा तो, और इसको 60 FPS पे रख लेना है। और इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे सेव कर लेना है और इसके बाद दोस्तों इसी वाले वीडियो को हम लोग यहाँ पे VN ऐप में ओपन कर लेंगे। तो VN ऐप यहाँ से ओपन कर लेना होगा और ओपन कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, नीचे यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन है तो नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक कर देना, फिर से नीचे यहाँ पे प्लस पर क्लिक कर देंगे और ऊपर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा है तो इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, जिस वीडियो को हम लोग स्लोमो किए थे उसी वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेना है। और ओपन कर लेने बाद यहाँ पे ऐड कर लेना होगा और इसके बाद क्या करना होगा, प्रोसेसिंग लेगा। तो प्रोसेसिंग करने के बाद आप लोग को यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुका है और इसके बाद इस वाले लोगो को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग को एक स्काई वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसी स्काई को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे।
ओपन करने बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से ऊपर यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से इसको बड़ा करके ऐड कर लेना होगा। और इसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर टैप कर देना होगा, और टैप कर देने बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और नीचे आ जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कोने में आ जाना है। तो आप लोग को यहाँ पे इस वाले ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं मास्क का ऑप्शन होगा, तो मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यानी कि लीनियर पे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद क्या करना होगा, लीनियर पे क्लिक कर देना, दोनों यहाँ पे टू फिंगर्स इसको कुछ इस तरीके से सर्किल को कैल उल्टा कर देना है, और इसको नीचे करके और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको नीचे करके यहाँ पे बीच में इसको रख लेना होगा, और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग का फेस पे आ चुका है। तो इसको सही करने के लिए यहाँ से इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अभी अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे इस वाले वीडियो पे टैप कर देना होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे नीचे आप लोग को सबसे कोने में फॉरवर्ड का ऑप्शन होगा, तो फॉरवर्ड यहाँ पे टैप करने बाद यहाँ पे फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। और डुप्लीकेट कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पे फिर से हम लोग को इस वाले वीडियो पे टैप करने बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर देने बाद आप लोग को सबसे ऊपर यहाँ पे इस वाले लेयर को यहाँ पे टैप करके इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से टैप करना है, कुछ इस तरीके से इसको ऊपर करना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी ऊपर कर लेना है, तो यहाँ से ऊपर होगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसको ऊपर करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ला देना है, पहले वाले, ठीक है। और इसके बाद क्या करना होगा, आप लोग को फिर से यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फिट का ऑप्शन होगा, तो फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग का स्काई नहीं लगा है, तो इसको लगाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ऑप्शन है, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आप लोग को क्रोमा वाले ऑप्शन पे क्रोमा यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस प्लस वाले ऑप्शन को ऊपर यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन है, तो इस प्लस वाले ऑप्शन को स्काई में ऐड कर लेना है, आप लोग का जहाँ स्काई बढ़िया से एडजस्ट हो जाए। और इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इंटेंसिटी है और यहाँ पर स्पीड है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज़ीरो कर देंगे, तो यहाँ से इसको ज़ीरो कर देना है, और इसको हम लोग इस इंक्रीज़ कर लेंगे 40 या 45 तक, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव कर लेने बाद फिर से यहाँ पर लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से स्काई ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो इसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसको 4K में कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग को 60 FPS पे कर लेना है, ठीक है। और 60 FPS पे करने के बाद ऊपर से इसको यहाँ से नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लेंगे।